नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश। वक्त है शुक्रवार का और टाइम है मदरहुड गाइड का। दोस्तों, आज मदरहुड गाइड में हम ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिससे कई महिलाएं जो है प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को रिलेट करता है वो टॉपिक, और वो है डायबिटीज। दोस्तों, डायबिटीज़ में एक ऐसा प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होना एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, और ऐसे में खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगी तभी बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी और आपका डिलीवरी भी और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी आसान रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करें प्रेगनेंसी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। देखिए, दो तरह की कंडीशंस हो सकती है डायबिटीज़ को लेकर। या तो आपको पहले से ही डायबिटीज़ है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डायग्नोस हुआ है डायबिटीज़। दोनों ही कंडीशंस में आपको खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे की डेवलपमेंट आपकी बॉडी पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है, तो आपको जब ये पता लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनको अपनी कंडीशन बतानी चाहिए, वो अपने हिसाब से डायबिटीज़ की जो भी उन्हें दवाइयाँ चेंज करनी है, दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है, मेडिसिन वाइज उनको उनका ट्रीटमेंट करने दीजिए। बाकी चाहे आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है, उस पैमाने में आप एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, जैसे कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा डायग्नोस नहीं हुआ है, स्पॉटिंग नहीं हो रही है, या डॉक्टर ने आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मना नहीं किया है, तो आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं। और हर मील के बाद करीब 10 से 15 मिनट आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट के थ्रू भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डाइट में आपको क्या क्या करना चाहिए, आप दिन में करीब 6 से 7 मील लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में भूख ज़्यादा लगती है, क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती है, तो अपनी जो भी ओवरऑल मील है उसको 6 से 7 में डिवाइड कर लीजिए। आप ये मान लीजिए 3 से 3.5 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है, लेकिन मीठा नहीं खाना है। दूसरी चीज़ ये है, आपको अपनी डाइट में कार्ब्स कम करने हैं, जैसे कि वाइट राइस हो गया, गेहूं हो गया, इन चीज़ों को आप कम कर दीजिए, रोटियों को कम कर दीजिए। इसके जगह आप बाजरा, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, अगर आप एलर्जिक नहीं हैं तो ज्वार बाजरा ही क्यों, आप अपनी डाइट में मिलेट को शामिल कीजिए। मिलेट जो होते हैं, जिनमें कार्ब्स कम होते हैं, फाइबर अच्छे होते हैं, प्रोटीन अच्छा होता है, जो कि आपको पेट भरा महसूस करेंगे, आपको भूख कम लगेगी, क्रेविंग कम होगी, तो इससे क्या है, हेल्दी वे में आपका जो वेट है वो गेन होगा। बच्चे को भी डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स जिनमें प्रोटीन की ज़्यादा कमी होती है, उनको प्रोटीन सप्लीमेंट जो होते हैं रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप नेचुरल फूड सोर्सेज के थ्रू प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली फास्टिंग और नॉन फास्टिंग शुगर चार्ट अपना मेंटेन करना है, ये मैंडेटरी है। रोज़ आपको अपनी शुगर को देखना है, आपको जांच करनी है। दोस्तों, शुगर चार्ट को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में शुगर लेवल कितना होना चाहिए, इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर फास्टिंग यानी कि खाना खाने से पहले आपकी 95 से 100 के बीच में है, तो ये ठीक है, नॉर्मल है। वहीं खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप शुगर करते हैं और वो 140 से 145 के बीच में निकल रही है, तो भी ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज आपने फॉलो की, डाइट भी आपने फॉलो की, बावजूद इसके आपकी जो शुगर लेवल है वो रेगुलर 145 क्रॉस कर रहा है, 100 क्रॉस कर रहा है, तब आपको ज़रूरत है अपने डॉक्टर से सलाह लेने और उनकी बताई हुई दवाइयाँ जो भी वो सजेस्ट करते हैं उनको फॉलो करने की। दोस्तों, और जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है वो ये है कि आपको मीठी चीज़ें, वाइट चीज़ों को, यानी कि शुगर, वाइट शुगर, खांड हो गई, भूरा हो गया, इन चीज़ों को अपनी डाइट से निकालना है, क्योंकि ये चीज़ें जो होंगी वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्रेविंग बहुत होती है, लेकिन आपको पता है अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसको आपको अवॉइड करना है। आप कभी कभार जैगरी ले सकते हैं, या आप कुछ चाय पीने की आदत है उसमें हनी डाल के या जैगरी डाल के आप पी सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर आप इसको रेगुलर पीना चाहते हैं तो हम तो इसको अवॉइड ही बोलेंगे करने के लिए। बाकी आप अगर हेल्दी डाइट लें, सबसे ज़रूरी है टाइम से खाना खाएं और हर मील के बाद ज़रूर घूमें।
आपको अपनी जो मील है वो हेल्दी रखनी है, जंक फूड नहीं खाना, प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव्स ये सब नहीं लेने हैं, और कोशिश आपको यही करनी है कि जब भी आप मील कंज्यूम कर रही हैं तो उसमें फाइबर अच्छा हो, उसमें प्रोटीन हो और कार्ब्स कम हो। यही हम बार बार आपको पहले भी हमने ये बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव हैं, आपको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है और डॉक्टर ने भी बोला है कि आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन किसी के सुपरविजन में ही कीजिए। आप अपनी खुद की बताई हुई एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज, खुद बताते हैं वो एक्सरसाइज, तो इसीलिए आप उनके ही सुपरविजन में और किसी के सुपरविजन में ज़रूर एक्सरसाइज करें। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगली बार जब मदरहुड गाइड में हम आपको मिलेंगे तो कोई और एपिसोड लाएंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।